मां के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता और गरीब का कोई दोस्त नहीं हो सकता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसों की है, इंसान की नहीं। और दर्द हमेशा उन्हीं लोगों से मिलता है जिन्हें हम अपना हमदर्द समझते हैं। मगर यह भी एक हकीकत है कि जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं होते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। किताबों में लिखा है कि अगर कोई इंसान बहुत हंसता है तो अंदर से वो बहुत अकेला होता है, अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो वो अंदर से बहुत उदास होता है, अगर कोई इंसान खुद को बहुत मजबूत दिखाता है और रोता नहीं तो वो अंदर से बहुत कमजोर होता है, और अगर कोई जरा सी बात पे रो देता है तो वो बहुत मासूम होता है, और हर बात पर नाराज होने वाला जिंदगी में प्यार की कमी महसूस करता है। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए साहब, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। लोगों को एहसास दिलवाइए कि वो आपके लिए कितने अहम हैं और आप उनसे कितना प्यार करते हैं, और अगर जिंदगी को पाना हो तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं, क्योंकि जिनके पास उम्मीद है वो लाखों बार हार कर भी हार नहीं सकता। और ये हकीकत है साहब, बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखे खाने से आती है। और मजे की बात यह है कि आपका खुश रहना ही आपका बुरा चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते, लेकिन अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। और दोस्तों, बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से ही जाने जाते हैं, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, बस हौसला और मेहनत चाहिए। और मेरा मानना है, जिसे भुला ना सको उसे हमेशा माफ कर देना चाहिए, और जिसे माफ ना कर सको उसे भुला ही देना बेहतर है।